Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. Kavita Gupta. बच्चों ये मेरा चैप्टर 3 चल रहा है ग्रुप थ्योरी का, फाइनाइट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है. इससे पहले वाला लेक्चर बेटा देख जरूर लेना, उसमें मैंने आपको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी बताया क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज कराई हैं. आज हम ऑर्डर से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे रह गए थे पिछले वाले लेक्चर में. लेट अस फिनिश दोज क्वेश्चंस. देखो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 20 आपकी एक्सरसाइज का. लेट एक्स बिलोंग्स टू अ ग्रुप. इफ एक्स स्क्वायर इज नॉट आइडेंटिटी, एक्स टू द पावर 6 इज आइडेंटिटी. प्रूव करिए कि एक्स 4 भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता और एक्स 5 भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता. व्हाट कैन यू से अबाउट ऑर्डर ऑफ एक्स? देखो अगर एक्स 4 आइडेंटिटी होता, ठीक है, तो एक्स टू दी पावर 6 को मैं क्या लिख सकती थी, एक्स फोर इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स फोर की जगह आइडेंटिटी डाल देते, ठीक है, ई इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता. बट मुझे तो देखा है एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो मेरे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है ना. तो मेरे पास इस सारे को देखते तो एक्स 6 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता, जो कि ये कॉन्ट्रडिक्शन होती क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एक्स टू दी पावर 6 को आइडेंटिटी दे रखा है. तो इसका मतलब मेरे पास कॉन्ट्रडिक्शन आई, तो इसका मतलब मेरी एजम्पशन रॉन्ग थी. इसका मतलब एक्स फोर जो है ई के बराबर नहीं हो सकता. तो पहला प्रूफ तो मैंने कर दिया कि एक्स फोर ई के बराबर नहीं है, ठीक है. मुझे गिवन सिर्फ दो चीजें हैं कि एक तो एक्स की पावर 6 रेस करने पे आइडेंटिटी आता है और एक्स स्क्वायर खुद अपने आप में आइडेंटिटी के बराबर नहीं है. अब आ जाइए नेक्स्ट, एक्स टू दी पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है. अगर सपोज सॉरी मुझे शो करना है एक्स टू दी पावर 5 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी. मैंने कहा सपोज कर लो ये आइडेंटिटी के बराबर होता, तो क्या करते हम दोनों तरफ अगर एक्स 5 से मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास आ जाता है एक्स 10 इक्वल टू एक्स 5. फिर एक्स 10 को मैं ब्रेक कर सकती थी एक्स 6 में, ठीक है, एक्स 6 और एक्स 4 में. एक्स 6 की जगह मैं आइडेंटिटी यूज कर लेती, तो अब इसको करते सॉल्व तो ये आ जाता, फिर से मेरे पास एक्स 4 आइडेंटिटी आ गया, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि मैंने अभी अभी प्रूफ किया ऊपर की एक्स 4 आइडेंटिटी नहीं हो सकता. तो इसका मतलब एक्स 5 जो है वो भी आइडेंटिटी नहीं है, मेरी एजम्पशन रॉन्ग हो गई. मैंने तो इसको इक्वल टू मान लिया था, ये इक्वल टू नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है बच्चों. अब मुझे क्या निकालना है कि ऑर्डर ऑफ एक्स की कितनी पॉसिबिलिटीज है. तो देखो बेटा एक्स टू दी पावर 6 आपके पास आइडेंटिटी है, तो मैंने आपको ये क्या सिखाया हुआ है लास्ट लेक्चर में, प्रूफ भी कराया कि अगर किसी नंबर एलिमेंट की कोई पावर रेस करने पर आइडेंटिटी आता है तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड्स पावर. तो ऑर्डर ऑफ 6 एक्स जो होगा वो 6 को डिवाइड करेगा. तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है 1 भी हो सकता है ऑर्डर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है. इन चारों में से कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर होगा यूनिक, ठीक है. कभी भी ऑर्डर एक एलिमेंट के दो ऑर्डर नहीं आते, एक यूनिक ही ऑर्डर आएगा. तो 1, 2, 3, 6 में से कोई सा भी ऑर्डर आ सकता है. तो देखो एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स 2 तो है नहीं. एक्स टू दी पावर 4 आइडेंटिटी नहीं है तो 4 भी नहीं है. एक्स टू दी पावर 5 आइडेंटिटी नहीं है तो 5 भी नहीं है. तो 2 वाली पॉसिबिलिटी यहां से रूल आउट हो गई. अगर ऑर्डर ऑफ एक्स 1 होता तो एक्स आइडेंटिटी ही होता. आपको पता है आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट हैविंग ऑर्डर 1, ठीक है. तो हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते तो मेरे पास ई आता, तो एक्स स्क्वायर ई आ जाता. तो इससे मुझे पता चला कि एक्स स्क्वायर भी मेरे पास पर ई नहीं है. हमें दे रखा है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ई, तो हमारा ऑर्डर ऑफ एक्स 1 भी नहीं हो सकता. तो अब पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बच गई, 3 और 6 की पॉसिबिलिटी बच गई. तो मैं ऑर्डर ऑफ एक्स कैन बी 3 और कैन बी 6. एक्स टू दी पावर 6 तो आइडेंटिटी आपको दे ही रखा था, ठीक है ना. तो एक्स टू दी पावर 3 भी हो सकता था आइडेंटिटी, राइट. चलिए सपोज अ ग्रुप कंटेन्स एलिमेंट्स ए एंड बी फ्रॉम अ ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ, ये मॉड का साइन जो लगा रखा है, मैंने आपको बताया था कि गैलियन की बुक के अंदर ऑर्डर को मॉड से डिनोट किया जाता है. तो अगर ऑर्डर ऑफ ए 4 है, ऑर्डर ऑफ बी 2 है और ए क्यूब बी आपका बी ए के बराबर है, तो आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ ए भी निकालना है, ठीक है बच्चों. तो देखो ऑर्डर ऑफ ए अगर 4 दे रखा है, इसका मतलब ए टू दी पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी. ऑर्डर ऑफ बी 2 दे रखा है तो बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी. तो मुझे ए बी का ऑर्डर निकालना है. तो ऑर्डर ऑफ ए बी अब 1 तो होगा, 1 होता तो आइडेंटिटी हो जाती ए बी, ठीक है. तो हम 1, 2, 3, 4 इनको ट्राई मारते हैं. तो पहले हमने 2 पावर रेस करके देखी कि क्या आ रहा है. तो अगर मेरे पास 2 पावर रेस कर रही हूँ मैं, तो 2 पावर रेस करना मतलब दो बारी मल्टीप्लाई करना. तो मैंने ऐसे कर लिया, फिर एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके बीच में ब्रैकेट लगा ली. अब क्वेश्चन में दे रखा है बी ए जो है ए क्यूब बी के बराबर है, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है जहां मेरा एरो है, ठीक है. तो बी ए की जगह मैंने ए क्यूब बी लिख लिया. फिर दोबारा से एसोसिएटिविटी इस्तेमाल करके ब्रैकेट्स चेंज कीजिए, ए और ए क्यूब को इकट्ठा करो, बी और बी को.
तो ए की पावर 4 आ गई, बी का स्क्वायर आ गया। अब आप यहाँ देखिए, ए 4 ई है और बी स्क्वायर ई है, तो दोनों की जगह पे ई इंटू ई डाल दिया तो आइडेंटिटी आ गया। तो ए बी स्क्वायर जो है वो ई आ गया, ठीक है। ए बी स्क्वायर अगर ई आ गया है तो आपको फिर से वही वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, किसी चीज की पावर को एम रेज करें, जैसे यही वाली प्रॉपर्टी, ए टू दी पावर एम अगर आइडेंटिटी होता है तो ऑर्डर ऑफ ए विल डिवाइड है। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर आइडेंटिटी आ गया तो ऑर्डर ऑफ ए बी विल डिवाइड टू, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा या टू आ जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ ए बी वन होता तो ए बी आइडेंटिटी होता, ठीक है ना। अगर ए बी आइडेंटिटी होता तो मैंने क्या किया, दोनों साइड पे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करके बी और बी इनवर्स को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू बी इनवर्स आ गया। तो दोनों के ऑर्डर भी बराबर होंगे जब एलिमेंट बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स आ गया। आप सबको पता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स का ऑर्डर बी के बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के बराबर आ गया। बट ऑर्डर ऑफ ए तो 4 है, ऑर्डर ऑफ बी 2 है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे को, तो 4 इक्वल टू 2 आ गया, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए 1 नहीं हो सकता, उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैडम 3 भी तो आ सकता था, 4 भी तो आ सकता था, तो आपको ये याद रखना है 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से शुरू करना है। मान लो कोई और भी इसकी पावर को रेस करके इक्वल आइडेंटिटी दे देता तो हमें लेना 2 ही पड़ेगा, क्योंकि हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना होता, तो हम सबसे छोटे से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, सपोज डी इज द डिवाइजर, देन ऑर्डर ऑफ ए डी, ये तो मैंने करा दिया आपको प्रूफ इसका, ये तो हो गया था, मैंने पूरी प्रॉपर्टी आपको प्रूफ कराई है ना, जीसीडी ऑफ एन ऑर्ड, ये वाला, ये तो मैंने करा दिया था, पूरा लंबा प्रूफ कराया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ए इज इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, फ्रॉम एस एल टू आर, वॉट इज दिस एस एल टू आर, रिकॉल कीजिए चैप्टर 2 में कराया, एस एल मतलब स्पेशल लीनियर ग्रुप, 2 मतलब ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, आर मतलब विद एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर्स। तो ये क्या है, स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने भी मैट्रिसेस लेंगे आप 2x2 ऑर्डर के, उन सबका डिटर्मिनेंट 1 होगा। अगर ये जी एल टू आर होता तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता, जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और एस एल स्पेशल लीनियर ग्रुप में डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो इसके 2 ये मैट्रिसेस दे दिए जिसमें सारी एंट्रीज रियल नंबर से आई हुई है। आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ ए निकालिए, ऑर्डर ऑफ बी निकालिए, ऑर्डर ऑफ ए भी निकालिए, तो हमने ऑर्डर ऑफ ए निकाला। ऑर्डर ऑफ ए निकालने के लिए वही करेंगे, अब 1 2 3 पावर रेस करेंगे। अब ए की पावर 1 रेस कर रही हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। आइडेंटिटी क्या होती है एस एल टू आर में, 1001, ठीक है, इन एस एल टू आर मल्टीप्लीकेटिव, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन किया तो आइडेंटिटी इज 1001। तो एक ऑर्डर ऑफ ए 1 तो है नहीं, क्योंकि 1 तो आइडेंटिटी का होता है, ये आइडेंटिटी तो है नहीं, तो मैंने 2 रेस करके देखी, तो 2 बारी इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया 2 बारी, तो ये तो नहीं आया मेरा 1, क्योंकि आइडेंटिटी के बराबर नहीं आया ना, तो ऑर्डर ऑफ ए कैन नॉट बी 2, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, 2 नहीं है, मैंने इसको ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देख लिया, ठीक है। तो क्योंकि ए स्क्वायर निकला हुआ था तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब कोई बच्चा चाहे तो पहले ए क्यूब ट्राई कर ले, ए क्यूब भी आइडेंटिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो ए 4 निकाला, ए 4 निकाला तो वो आइडेंटिटी आ गया, तो ऑर्डर ऑफ ए जो है मेरा 4 आ गया। आप चाहो तो पहले ए स्क्वायर फिर ए क्यूब ट्राई करो फिर ए 4 पे आना, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब बी का ऑर्डर निकालने लगे तो पहले बी स्क्वायर रेस किया, बी स्क्वायर रेस किया तो आइडेंटिटी नहीं आया तो 2 ऑर्डर नहीं हो सकता। फिर बी क्यूब निकाला, बी क्यूब करने पे मेरे पास आ गया, तो ऑर्डर ऑफ बी कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपको जब भी मैट्रिसेस दे रखे हैं उनका ऑर्डर निकालना है तो पावर रेस करते जाओ अलग अलग। अब ए बी लिया, ठीक है, ए बी लिया तो मेरे पास ये ए बी खुद 1101 आ गया। तो ए बी का स्क्वायर निकाला, ठीक है, ए बी का स्क्वायर निकाला तो ये आ गया 1201। ए बी का क्यूब निकाला तो ये आ गया 1301। थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखो, ये ए बी मैट्रिक्स जो है ना, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ए बी की पावर 1 रेस करी तो 1 आया, ए बी की पावर 2 रेस करी तो यहाँ पर 2 आ गया, ए बी की पावर 3 रेस करी तो यहाँ पर 3 आ गया। इसका मतलब ए बी की पावर अगर एन रेस करोगे तो यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगनल पे 1 है, डायगनल के नीचे 0 है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट बचा ना इसके ऊपर एन आ जाएगा। तो अब आपको देखो, ये हमेशा नंबर बढ़ाता जाएगा जितनी भी पावर बनाओगे, और वो नंबर यहाँ आता जाएगा।
तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो जीरो चाहिए था ना, यहाँ पे जीरो तो नहीं आएगा ये। इसका मतलब मुझे कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन नहीं मिलेगा जिससे मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए भी फाइनाइट नहीं है। आप सबको पता है ऑर्डर की डेफिनेशन में, अगर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन मिल जाए सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, तो वो ऑर्डर बन जाता है। और अगर ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आपको ना मिले तो हम कहते हैं ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए बी इज इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन में पूछा भी था कि व्हाट सरप्राइजेज यू, हमें सरप्राइज यही हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए बी फाइनाइट आया, बी भी फाइनाइट आया, बट जब ऑर्डर ऑफ ए बी निकाला तो वो नॉट फाइनाइट आ गया, ठीक है, वो इनफाइनाइट आ गया। और देखिए क्वेश्चन, कंसिडर ए इक्वल टू दिस इन एस एल टू आर। अब एस एल टू आर की डेफिनेशन आपको मालूम है, इसका ऑर्डर निकालिए। अब ये भी आपने देखा इसका ऑर्डर क्या आता है, इसकी पावर एन रेस करने पे मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, यहाँ पे एन आ जाता है, तो ऑर्डर ऑफ ए तो इनफाइनाइट है। ये पार्ट तो हमारा ऊपर से ही प्रूफ हो गया। इफ वी व्यू ए एज दिस एज अ मेंबर ऑफ एस एल टू जेड पी, वो कह रहा है कि जब मैंने एस एल टू आर में इसका ऑर्डर निकाला तो आपका इनफाइनाइट ऑर्डर आ गया। अब उसने एस एल टू आर को हटा के एस एल टू जेड पी कर दिया, वेयर पी इज अ प्राइम, मतलब जेड टू, जेड फाइव, जेड थ्री, जेड सेवन, ऐसे एलिमेंट ले, ऐसा ग्रुप ले लिया। मतलब ये जो वन 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 है ना, ये अब किसका एलिमेंट होगा, जेड पी का एलिमेंट है, जेड पी से आए हुए नंबर है। तब इसका ऑर्डर क्या होगा, आप बेटा ध्यान दें, जेड पी के अंदर मॉड्यूलो पी की ऑपरेशन होती है, तो पी के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो जीरो होंगे। तो अब अगर मैं जब एस एल टू जेड पी में जब ए की पावर पी रेस करूंगी तो यहाँ पे पी आ जाएगा। अब ये पी जो होगा जीरो होगा जेड पी के अंदर। वाई इट इज जीरो, बिकॉज जेड पी के अंदर मल्टीपल्स ऑफ पी आर जीरो, ठीक है, तो लीस्ट मल्टीपल इसका पी होगा। तो सबसे पहले पी वाला जीरो होगा, फिर टू पी वाला जीरो होगा, फिर थ्री पी, फिर फोर पी, फाइव पी, इस तरीके से जीरो होंगे। हमें लीस्ट चाहिए इसलिए हमने पी पे रोका इसको। तो ए की पावर पी रेस करने पर यहाँ पर पी आ गया। अब पी की डेफिनेशन जेड पी के अंदर जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि पी को जब पी से डिवाइड करके रिमाइंडर लोगे तो जीरो आ जाएगा। तो अब मेरे पास आइडेंटिटी आ गया। तो आपने देखा कि मैंने रियल से अगर जेड पी कर दिया, करते के साथ इसका फाइनाइट ऑर्डर आ जाएगा, और वो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पर पी आ जाएगा, क्योंकि ए की पावर पी रेस करने पर आपको आइडेंटिटी मिला है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, पी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन एंड एनी एंगल थीटा शो दैट इन द ग्रुप एस एल टू आर, इसकी कोई भी पावर एन रेस करते हैं तो ये आता है। बेटा ये काम तो ऊपर वाला तो आप खुद करेंगे, क्योंकि पावर एन रेस करने पे ये आ रहा है, इसको इंडक्शन से आप सब बच्चे प्रूव कर सकते हैं, स्कूल्स में करके आए, तो ये वाला काम तो आप खुद करेंगे। मैं इसका ऑर्डर निकालना सिखा देती हूँ आपको, जो इसने बोला है, आपको बोला है इसने कि यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ दीज टू एलिमेंट। तो पहले मैं 60 वाले का ऑर्डर निकालना सिखा दूँ। सपोज कर लो इसका ऑर्डर जो है एन है, ठीक है, जिसका ऑर्डर नहीं मालूम तो पहले तो एन मान लो ना। देखो ये एस एल टू आर दे रखा है तो मल्टीप्लीकेशन की ऑपरेशन है तो पावर ही लेंगे। तो इसकी पावर में इसका ऑर्डर मैंने एन माना, तो इसका मतलब इसको एन रेस करने पे मुझे आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। अभी जो ऊपर फॉर्मूला आपने प्रूफ किया, ये देखो इधर, ये जो आप प्रूफ करोगे खुद इंडक्शन से, ये क्या कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स की कोई भी पावर रेस करो तो वो पावर अंदर आ जाती है और एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो कॉस एन थीटा साइन एन थीटा बना रहा है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैंने भी ये एन को जो है अंदर ले आई, तो एन इंटू 60 आ गया और ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या करते हैं, दो मैट्रिसेस कब बराबर होते हैं, जब उनके हर एलिमेंट बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसका मतलब कॉस 60n मेरे पास 1 आना चाहिए और साइन 60n मेरे पास 0 आना चाहिए। तो ऐसा एन ढूंढो जो साइन 60n को 0 दे और कॉस 60n को 1 दे। तो एन की वैल्यू डाल दो, एन है तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन को 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो। आप सबको दिख रहा है कि ये साइन एन पाई 0 होता है ना आपके पास, तो इसको पाई बनाने के लिए जो है 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब एक साइकिल पूरी होगी। तो एन इक्वल टू 6 पे आंसर आना चाहिए, मैंने करके दिखा दिया है सारा। आप इंस्पेक्शन से डायरेक्ट भी ले सकते थे, आपने एन को 6 डाला तो आपके पास ये आ गया कॉस 360 इक्वल टू ये 1 आ गया जो आपको चाहिए था। और इसी पर आपने 6 पे देखा तो साइन 6 इंटू 60 साइन 360 जीरो आ गया। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो कौन होगा, 6 होगा, तो इसका ऑर्डर 6 आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में दूसरा मेरे को दे रखा था ये वाला एलिमेंट कॉस रूट टू माइनस साइन रूट टू, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, इसकी पावर है एन, सॉरी इसका ऑर्डर सपोज एन मान लिया, तो इसकी पावर एन रेस करने पे मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो फिर दोबारा से हमने वही जो फॉर्मूला गिवन था उसको, उससे हम पावर को अंदर लिया, एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया।
ये आपको क्या बता रहा है, कॉस रूट टू एन क्या आ गया, वन आ गया, और साइन रूट टू एन जीरो आ गया। अब इसका मतलब क्या है, साइन रूट टू एन जीरो कब होता है, जब रूट टू एन एम पाई होगा, पता है ना साइन एक्स जीरो होता है, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ पे रूट टू एन एम पाई आ गया। ठीक है, एन एंड एम बोथ आर इंटीजर, तो इधर देखो एम रूट टू एन एम पाई भी रैशनल तो नहीं होगा। कोई भी ऐसा इंटीजर ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई कर दे रूट टू एन को, तो यहां से देखो एन क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा एम पाई बाय रूट टू। ठीक है, तो ये आपको इंटीजर तो कभी नहीं देगा। ठीक है, एन इज नॉट एन इंटीजर, यहां से इंटीजर नहीं मिल रहा तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है आपके पास, मतलब कोई भी सॉरी एन नहीं मिल रहा तो आप क्या लिखेंगे, देर इज नो सच एन फॉर विच स्टार होल्ड्स, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गया यहाँ तक, मेरे ख्याल क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में सब ग्रुप्स का पढ़ाऊंगी। देखो बेटा इस चैप्टर के अंदर दो हिस्से थे आपके पास, एक ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और दूसरा सब ग्रुप्स। तो ऑर्डर के ऊपर एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल्स जितने थे, मैंने सारे करा दिए आपको। अब आपको मुझे कराना है सब ग्रुप्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे ग्रुप थ्योरी का, सब ग्रुप्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।